टूटी सड़कें और जनता का ये गुस्सा कारण है इलाके में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। दरअसल जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित मंगलम ग्रुप की जेडी अप्रूव्ड ये कॉलोनी पानी की मार झेल रही है, वो भी तब जब गर्मी अपने चरम पर हो। वैसे मंगलम ग्रुप का दावा है आपका सपना हमारा प्रयास, लेकिन ये दावे कितने मजबूत है इसकी पोल यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों से आप खुद ही सुन लीजिए। मंगलम सिटी एक सब कालवाड़ रोड पे एक इतनी मजबूत स्थिति में बनी हुई है जिसको जेडी अगर थोड़ा भी ध्यान दे तो हमारी जो मूलभूत आधार सुविधाएं हैं वो इतनी उससे बढ़ सकती है कि जयपुर के नंबर वन पे मंगलम सिटी आ सकती है। लेकिन जेडीए की नाकामी और कमजोरियों के हिसाब से इतनी गिरी हुई मंगलम सिटी हो चुकी है जिसके अंदर कचरा नंबर वन, रोड नंबर टू, पानी सीवरेज जिसकी आधारभूत सुविधाएं हर चीज से पिछड़ चुकी है। लाइट नहीं के नाम की लाइट, रोड लाइट जीरो, जितनी मूलभूत आम सुविधाएं हैं एक भी अपने पास में ऐसी नहीं है जो कि आज मंगलम सिटी में हो। इसका नक्शा इस हिसाब से बनाया हुआ है, अपने जयपुर के अंदर सबसे टॉप में मंगलम सिटी कालवाड़ रोड पर नेता आते हैं। नेताओं का तो छोड़ दो आप लोग, क्योंकि उनका काम है सिर्फ एक दिन के लिए दो मिनट के लिए बटन दबवाना और यहाँ से जैसा मंगलम सिटी का नाम है, जैसे हाई फाई कॉलोनी है, जैसा मंगलम सिटी का नाम है, जैसे हाई फाई कॉलोनी है, वो सुविधा बिल्कुल। कहने को तो मंगलम प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके दावे कितने खोखले हैं उसका उदाहरण यहाँ रहने वाले करीब 5000 लोग दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है, सड़कें टूटी होने से आए दिन हादसे होते हैं। बावजूद इसके जेडीए शायद कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। यहाँ सड़क तो दूर की बात है, यहाँ के लोगों को पीने योग्य पानी भी नसीब नहीं हो रहा। जरा आप भी सुनिए, अप्रोक्स जनसंख्या है, वो सभी यहाँ पे सड़क लाइट और अपने पानी सीवरेज जेडीए अप्रूव्ड होने के बाद सभी समस्याओं का समाधान कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सारे फ्लैट जेडीए अप्रूव्ड है और हमने इस संबंध में पत्र वगैरह सब जारी कर रखे जेडीए में, लेकिन उनका कोई भी अभी तक जवाब सही ढंग से आ नहीं पाया, ना ही वो कार्यवाही कर पा रहे। अब यहाँ पे आप सड़कें देख रहे हो कि बिल्कुल भी यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए, किसी का कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बारिश के कारण से गड्ढे पड़े हुए, उसमें कीचड़ वगैरह जमा रहता है, धूल उड़ती रहती है सारे दिन, और ना ही यहाँ पे पार्क डेवलप है, कुछ भी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ना ही यहाँ पे एटीएम है, ना ही अपने यहाँ पे पार्क है, ना ही यहाँ पे स्कूल वगैरह कुछ है, कुछ भी यहाँ पे सुविधाएं है नहीं बिल्कुल, जो जेडीए अप्रूव्ड होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि यहाँ आए दिन बिजली गुल हो जाती है। लोगों का कहना है कि बिजली 4 घंटे भी नहीं आती। मैं राजकुमार फोनी बोल रहा हूँ। ये कि हमारी मंगलम सिटी में इतनी रहती है, इतने आदमी रहते हैं, इतनी मतलब बड़ी कॉलोनी है और यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, पानी की समस्याएं हैं यहाँ पर, समझ रहे आप, पीने के पानी भी हमारा वो टैंकरों से ही काम लिया जाता है, वो भी समय पे नहीं पहुँचता है, तीन दिन में टैंक पहुँचते हैं, ये सब समस्याएं हैं हमारे साथ में। जेडीए को लाखों रुपए रजिस्ट्री के देने के बावजूद स्थानीय लोगों को सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है। अब देखना होगा कि आखिर कब स्थानीय लोगों को राहत मिल पाती है और कब पानी, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं स्थानीय लोगों की झोली में खुशियां दे पाती है। स्पेशल डेस्क नवतेज टीवी।